हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह और आज इस वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट द वीडियो। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, उसने अचानक से दरवाज़ा बंद किया। He closed the door suddenly. He closed the door suddenly. वह लंबी सांस नहीं ले पाता था। He could not breathe deeply. He could not breathe deeply. क्या तुम गुस्से में हो? क्या तुम गुस्से में हो? अगर कोई हमसे गुस्सा होता है, अगर कोई हमसे रूड बिहेव करता है तो हम उससे पूछते हैं कि क्या तुम गुस्से में हो? तो उसके लिए हम बोलेंगे Are you angry? Are you angry? क्या आज छुट्टी है? देखिए, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं या फिर हमारे हस्बैंड्स या फिर हम खुद वर्किंग हैं, हम जिस दिन ऑफिस नहीं जाते या फिर बच्चे स्कूल नहीं जाते तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या छुट्टी है। इसके लिए क्या क्वेश्चन करेंगे? इसके लिए हम बोलेंगे इज़ इट अ हॉलीडे टुडे। अगर किसी को कोई बात नहीं पता होती और हमें पता होती है तो हम उस पर्सन को ये बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये मालूम है। इसके लिए हम बोलेंगे डू यू नो, डू यू नो। जयपुर किस तरफ पड़ेगा? देखिए, जैसे हमें किसी कहीं जाना होता है, हमें वे नहीं पता होता तो हम किसी से पूछते हैं कि ये जो रास्ता है वो किधर पड़ेगा। तो उसके लिए हम सेंटेंस यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी विच साइड इज़ जयपुर। एक्सक्यूज़ मी विच साइड इज़ जयपुर। क्या आप मुझे दिल्ली का रास्ता बता सकती हैं? जैसे अगर हमें दिल्ली जाना है या हमें कहीं और जाना है, लखनऊ जाना है, कोई कहीं भी जा सकते हैं, तो हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप हमें रास्ता बता सकती हैं। देखिए, हमारा जो लास्ट सेंटेंस था वो भी इसके सिमिलर ही था, लेकिन दोनों का जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो अलग होगा और इसका जो इंग्लिश है वो भी अलग होगा। इसके लिए हम सेंटेंस यूज़ करेंगे एक्सक्यूज़ मी कुड यू टेल मी द वे टू दिल्ली। आपका सफ़र कैसा रहा? जैसे अगर कोई कहीं से घूम के आता है तो हम अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि आपका सफ़र कैसा रहा, और ये होना भी चाहिए, एक मैनर होता है कि किसी से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप जहाँ गए थे आपका सफ़र कैसा रहा वहाँ पर। तो इसका जो सेंटेंस होगा वो ये होगा हाउ वाज़ द जर्नी, हाउ वाज़ द जर्नी। आप कहाँ रहती हैं या आप कहाँ रहते हैं? इसके लिए हम पूछेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। जैसे हमारा कोई होम टाउन पूछता है तो अक्सर सबका क्वेश्चन यही होता है कि आप कहाँ से हैं। इसके लिए हम क्वेश्चन यूज़ करेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर कोई किसी सिचुएशन में फंस जाता है तो ये क्वेश्चन हम करते ही करते हैं कि तुम अब क्या करोगे, कैसे इससे बाहर निकलोगे। तो इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट विल यू डू नाउ, व्हाट विल यू डू नाउ। तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो? जैसे अगर हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो हमसे कोई पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, उसके लिए हम सेंटेंस बोलेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। देखिए, हम लुकिंग का मतलब ढूंढना होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, कि तुम क्या सर्च कर रहे हो। देखिए, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डेली पूछा जाता है, क्या हुआ। कुछ भी होता है हम अक्सर पूछते हैं कि क्या हुआ। इसके लिए हम सेंटेंस यूज़ करेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिनको हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं, और इनकी इंग्लिश हमें पता होनी चाहिए। अगर हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से मिलते हैं, अगर हम इनको इंग्लिश में बोलेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं और किसी को लगेगा कि हमको इंग्लिश बोलना आता है। तो आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, डेली इनको बोलिए और आपको भी ये बोलना आ ही जाएगा। तो कैसे लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।